लाल खुराना की लीडरशिप कमेटी बुलाई, घर घर जाके लोगों को लिस्टा बनाइया। पूरी कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी के पिता जी राजीव गांधी उन्हें दबान लगे हुए थे। इथों तक कि रामलीला मैदान के अंदर कांग्रेस ने रैली की, उस रैली च खड़े होके राहुल गांधी के पिता जी सोनिया गांधी के हसबैंड उस वेले दे प्राइम मिनिस्टर जिन्हों की कोठी च बह के कत्लो गारत की लिस्ट बनी, जिन्हों की कोठी चो नारे लगे इंदिरा दे खून का बदला सरदारा नूं मार के लांगे, उन्होंने खड़े होके कहा रैली दे अंदर क्या कत्लो गारत नूं सही दसन वास्ते कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 17,000 सिख मारते, 50,000 परिवार विस्थापित करते, गुरुद्वारे साड़ते और उन्होंने जस्टिफाई किया गया, कला जस्टिफाई नहीं किया गया। मैं आज इस कार्य समिति की स्टेज तो कांग्रेस लीडरशिप को पूछना चाहना, मैं पंजाब कांग्रेस के लीडर्स को पूछना चाहना, मैं राजा वडिंग को पूछना चाहना, बाजवा साहब को पूछना चाहना, ये पंजाब की कार्य समिति पूछती है तुहानू की स्टैंड है 1984 ते तुहाडा की स्टैंड है? तुसीं कातलां नाल खड़े हो, कातलां नू बचाउण वालियां नाल खड़े हो? पंजाब की कांग्रेस बच नहीं सकती। मित्रों 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, प्रस्ताव च जिक्र आया, मैं पढ़िया, सरकार आने तो बाद 30 साल बाद उस तो पहले 10 कमीशन बने, हर कमीशन की रिपोर्ट आई लेकिन रिपोर्ट तो बाद कार्रवाई कुछ नहीं। वाजपेयी साहब ने भी प्रयास किया, कार्रवाई करने दे टाइम आया सरकार चली गई। मोदी साहब ने फैसला किया और मित्रों 30 साल अभी सारे पॉलिटिशियन बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, थाने च परचा रजिस्टर्ड होया, लोकल कोर्ट तक परचे की कापी 30 साल च नहीं पहुंची, परचा टू कोर्ट नहीं होया।